सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू मेरे तुम्हारे हमेश और आप देख रहे हो मेरे जोशी ब्लॉग। सो गाइस, आज तुम्हारी 11 मार्च 2023 और अभी सुबह के बज रहे हैं ठीक 7:20। तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो चुका हूँ और अभी मेरे को जाना है डेरा से। यहाँ से कुछ बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है, वो क्या है वो तो आप आगे देख ही लोगे। तो कर देते वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइज, अभी होली की हमारी छुट्टियाँ चल रही है 13 तारीख तक, मतलब आज और कल ही है, कल संडे है इसलिए छुट्टी है। तो उसके बाद फिर हमें कॉलेज वगैरह भी जाना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वगैरह काम है। ये व्लॉग 2 दिन का होगा, शनिवार और एतवार। तो अभी मेरे को यहाँ से पहले मैं सेंटर पे जाऊँगा, वहाँ से थोड़ी देर बाद मेरे को जाना है डेरा बसी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा काम है। वो काम मतलब मैक्सिमम लोगों का कई बार ही होता है, मतलब ज़्यादातर होता नहीं है, मेरा है। चलो देखते हैं क्या है। अभी सुबह सुबह गाइस, आप चिड़िया को चहचहाना सुन सकते हैं हमारी कॉलोनी अभी भी, कि बहुत ज़्यादा जंगल सा है। पर यार ये चीज़ अच्छी नहीं यार, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मतलब मेरे को यार। इस टाइम पे भी देख लो आप, मतलब क्या हाल गली होगा। गाइस अगेन मेरे को यहाँ पे मेरा दोस्त मिल चुका है और उसके साथ मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ। दरअसल बस स्टैंड पे ना कल आपको बताइए मेरे एयरपोर्ट को यही था गाइस, कल में यहीं पे गिरे थे, पूछ सकता है कोई दिक्कत रहा नहीं। हाँ कोई अंकल वगैरह भी दिख रहे भाई सुबह सुबह मेरे को तो यहाँ पे यार। आप क्या पूछे किससे पूछ। तो फिलहाल मैं डेरा से पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को जहाँ पे काम था, दरअसल हमारे गांव से कुछ सामान आया हुआ था तो वो लेने आना था मेरे को अपने मौसी जी के पास। तो उनकी ना बस है अभी 9:45 पे और अभी 8:45 पे, तो अभी 8:30 हो चुके। होप कि मैं उनके पास उनसे पहले पहुँच लूँ, मतलब उनके पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच लूँ। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला क्राउड है, देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं फिर फटाफट, देखते हैं फिर क्या सीन रहता है। बाय टाटा, सी यू। पूरा 1 मिनट लगा मेरे को ये सारे काम करने में, मतलब वहाँ से यहाँ आया मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, अपना काम वगैरह किया वापस जा रहा हूँ घर की ओर। तो मतलब यही है, मतलब उनको भी जल्दी सी सुबह सुबह जाने की और मेरे को भी थोड़ा मतलब अर्जेंट था घर पर जाना, क्योंकि अभी मेरे को पंचकूला भी जाना है। तो बहुत ज़्यादा काम है, अभी चलते हैं फटाफट घर पर। बिजी हो गया यार बहुत ज़्यादा, अभी बैग पूरा भारी सा हो गया। अब देखते बस मिलती है। हम लोग पहुंच चुके हैं डेरा बसी के बस स्टैंड पे, देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है सुबह सुबह, बिल्कुल ज़्यादा भीड़ वगैरह है नहीं। और सामने देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है इतनी बड़ी वाली। तो अभी बस हमारी चली नहीं है, देखते हैं कब तक बस चलेगी, मतलब जब भरी नहीं है। खाली बस में चढ़ने में ना स्वाद से नहीं आते, अब भर रही है तो जाना ही पड़ेगा लगता है, सीट भी बैठनी है वरना सीट ही नहीं। तो अभी मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं और यहां से अब घर की तरफ जाऊंगा। तो फिलहाल एक अंकल मिल गए थे, इनको उधर की तरफ जाना है, तो मतलब मैं इनको छोड़ देता हूं। पहली बार आए हैं बरवाला में और शायद ना हमारी कॉलोनी की तरफ ही जाना है इनको, तो देख लेते हैं फिर उधर को ही चलेंगे, पर अभी घर को ही जा रहे हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं बता। 1 घंटे के अंदर लगभग मेरा काम सारा पूरा हो चुका है, मतलब मैं वहाँ पर गया था उसके बाद अभी यहाँ पर आ चुका हूँ। और अंकल को मतलब उनके कोई रिलेटिव वगैरह मिल चुके तो ठीक है, अंकल को भी अब रास्ता मिल जाएगा। मैं चलता हूँ घर में फटाफट, यार मेरे को भी कोई मिल ही जाता तो ठीक रहता। देख सो गाइस, इतने दूर से बस इतने से सामान के लिए, इसे कहते हैं कुंदा अर्थात हिंदी में खोया, इसके लिए गया हुआ था मैं, पता है गांव से मंगवाया इंपोर्टेड। बहुत ज़्यादा खतरनाक काम मेरे हाथ आ गया है, मतलब ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। अभी जैसे कि हम गली की बात कर रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा कच्चा है, मतलब पानी वगैरह भर जाता है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि भाई यहाँ पे कितना पानी भर जाता है, तो इसलिए एप्लीकेशन वगैरह लिख लिया, तो 2-3 बंदों के साइन करवा लेते कॉलोनी के सारे बंदों के कि भाई गलियाँ वगैरह बन जाए। होप्स हो कि कुछ हो जाए इनका, तो देखते हैं फिर। छत्रपति शिवाजी का भी हम पे आशीर्वाद है, अभी देखते हैं फिर। कह रहा है उनके साइन करा रहा हूँ, किसके पास जाएगा, श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। देन गाइज, अब सूखी सूखी खाने का टाइम आ गया है विद खोआ। गाइज तो अभी 12:30 हो चुके हैं और अब मैं चलता हूँ सीधा अपने यहाँ से पंचकूला की तरफ। देखते हैं बस कितने बजे मिलती है, 1:20 में मिलती है बस, वैसे तो शायद 12:45 वाली भी है, होप सो कि वो मिल जाए जल्दी जाके ना ठीक रहता है। तो चलते फिर। बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं और आप जाएंगे यहाँ से ऑफिस की तरफ। तक क्या है कि कल जो है ना, कल मुझे अपने असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर करनी है और टेस्ट वगैरह उनकी सबकी प्रिपरेशन करनी है, सारा कुछ की अलग करना है। मतलब ऐसा लगता है कि संडे के दिन काम नहीं होता, पर संडे के दिन सबसे ज़्यादा काम होता है। चलते हैं यार, तक क्या फिलहाल लेडी बने होना। फाइनली गाइस, दिस इज आवर बस टू गो। सो गाइस, तो अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे जाते, घर पे आज बनाया है हमारा जो कि फेवरेट, कह भी सकते नहीं भी कह सकते क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब मीठा मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, गाजर का हलवा हमारी गेहूं वाली बुआ के आने की खुशी में। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कैसा बना है हलवा? अरे नहीं पूछना चाहिए, बहुत अच्छा। तो गाइस तू तो नहीं खाएगा ना? कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं, कोई बात मैं खा। अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
खाना वगैरह भी हमने खा लिया और सोने का टाइम है। इनको देखो पता नहीं क्यों लड़ रहे फालतू में, तो मैं तो सो जाता हूँ। कल सुबह भी ये व्लॉग आगे कंटिन्यू होगा, तो देखेंगे आप लोग क्या क्या होता है सुबह। मतलब मैंने ऐसा कभी लिखा ही नहीं। चलते चलते द नेक्स्ट डे। तो गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग खाना वगैरह भी खा चुके हैं और सुबह उठ के मैंने नहाया धोया, ज्योत बत्ती करी, मंदिर वगैरह जाकर आ चुका हूँ। आज कोई इंट्रो देने का सीन वगैरह है नहीं, तो फिलहाल बैठ के मेरे को अपना सारा काम खत्म करना है, मतलब कॉलेज का, जो कि आप लोगों को मैंने कल रात बता ही दिया था। तो अभी बैठते फटाफट, और घर में मेहमान वगैरह भी आए, फिर थोड़ी देर उनके साथ भी बातें करेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। तब तक चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आज फिर आज पढ़ के पढ़ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसको देखकर खुशी। वेरी गुड वेरी गुड। उस साइड टी वी चल रहा है, पढ़ रहा है। सिक्स आवर्स लेटर। सारा दिन सोने के बाद अभी मैं उठ चुका हूँ और उठते ही मेरे को एक ऐसी खबर मिलती है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। ये खबर सुनते ही मेरे को कुछ नहीं हुआ, दरअसल बात कुछ हुआ कि हमारी गेहूं वाली बुआ के गेहूं पीस चुके हैं और उसका आटा बन चुका है। अब वो आटा लेके वो जा रहे हैं अपने घर की ओर प्रस्थान करने। तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा। थोड़ी देर में आप जा रहे हो, ऐसा अच्छा लगता है ऐसे ऐसे दो दो मिनट के लिए आना जाना? चलो फिर नमस्कार, हम पत्रकार साहब से बात करके आते हैं। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। नमस्कार। आपने तो यार इतने जल्दी जाने वाला सीन बना दिया, गलत काम। अभी हमारे ना टिकट छूट रही है। अच्छा, टिकट छूट रही की ट्रेन छूट रही? ट्रेन ही छूट रही है। बस छूट रही है। तो आप हमारी कॉलोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे देख के? कॉलोनी बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, सुंदरता है। हाँ, हरियाली है। हरियाली भी है, सब कुछ। नदियाँ भी बहती है। नदियाँ भी बहती है, नाले भी बहते हैं। पहाड़ भी हैं दूर, पहाड़ भी हैं, सब हैं, चट्टान चुट्टून। और आपने हमारे यहाँ बुर्ज खलीफा देखा? बुर्ज खलीफा नहीं। वो देखो, आप जाने दिया, वो देखो सामने, वो बीच में नहीं खड़ा, वो बुर्ज खलीफा है। बस उसके पीछे के डंडे डुंडे हैं ना सारे, वो रात को ही दिखाई देते हैं। अच्छा, रात को। हाँ, तो इसलिए आपको रात को टिकना चाहिए। चलो ठीक है, हमारी अम्मा जी गुस्सा हो रही है। अरे लगी हुई। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, जय श्री राम। अरे जय श्री, जोर से बोलो, जय सिया राम, बुआ जय सिया राम, जय सिया राम, बाय बाय। अरे दही 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 दही। मैं अपनी किताबें वगैरह रखी हुई थी काम करने के लिए, और काम बताऊं कितना करा मैंने आपको? एक पेज, दो पेज, तीन पेज, बस कुछ नहीं कर पाया यार, बहुत ज्यादा थकान होते, तो सारा दिन सोया भी काम करता हूँ थोड़ा सा, एक घंटा भी नहीं, 15 मिनट। फिर ऐसे थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुंह और बाल में पानी वगैरह ला के अब मैं बाहर की ओर जाऊंगा, थोड़ा बहुत घूम फिर लूंगा, क्योंकि कल मेरे को कॉलेज जाना है और इतना बिजी वाला ये वाला हफ्ता होने वाला है हमारा कि क्या बताऊँ। 2-3 असाइनमेंट टेस्ट वगैरह, बहुत ज्यादा ही मतलब खतरनाक सीन है। तो अभी थोड़ी देर अपने दोस्तों वगैरह के साथ घूम लेते हैं, पढ़ तो यार अब क्या ही मतलब लिया ही है थोड़ा बहुत, तो देख लेंगे फिर बाकी क्या होने वाला है। कल टेस्ट है, परसों एक असाइनमेंट है, उसके बाद एक असाइनमेंट। मतलब यार असाइनमेंट पहले लेनी चाहिए थी मैडम को, 13 दिन की छुट्टी है, 13 दिन की छुट्टी के बाद सीधा टेस्ट लेते हैं, पहले असाइनमेंट लेते फिर लेते टेस्ट, या दोनों एक साथ लेते, क्या ही कह सकते हैं यार। मतलब समझ में नहीं आता मेरे को कि क्या सिस्टम लगाते हैं, पर इनकी ना खतरनाक इसके पीछे स्ट्रेटेजी वगैरह होती होगी कुछ, बाकी हमें कुछ पता चलता तो है नहीं। अभी जूते वगैरह पा के चलते हैं आराम से घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक आपको मौसम। फिलहाल बाहर निकलते ही आज हमें कॉलोनी का थोड़ा सा माहौल वगैरह चेंज हो गया, वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा इतने दिनों में। एक यहाँ पे ये बाउंड्री वगैरह बन गई, और ये घर तो चलो बन ही गया था, इसके उधर ना एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो वहाँ पे भी घर बन गया, यहाँ भी घर बन गया, वहाँ भी घर बन गया, यहाँ भी बन ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया। और उधर वाला घर तो पूरा बन के तैयार हो गया, और अब कह रहे हैं कि गली बनेगी कल, मतलब जो मैं साइन वगैरह करवा रहा था ना, आप लोगों ने देखे होंगे, अच्छा यही व्लॉग था सॉरी, तो इसमें देखे होंगे। तो बाद में योगेश और भी कह रहे थे, और वो भी कह रहे थे, क्या क्या कहे थे योगेश और प्रंजय कल? लो रुक गया, तू नहीं गया था, फिर भी पता तो होगा, नहीं पता, चलो यार इन लोगों को क्या पता रहता है, तो घर के अंदर रह के भी कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको, मैं हूँ ना, मैं हूँ किस लिए यहाँ पे, इसीलिए हूँ। दरअसल वो क्या कह गए थे कि अभी 15 तारीख तक तो उनकी कोई हड़ताल वगैरह चले शायद, उसके बाद कुछ हो सकता है, तो होप्सो की हो जाए, तो अभी देखते हैं। और उनकी एक्टिवा खड़ी है, होप्सो वो भी हो, चलेंगे यार घूम फिर लेंगे थोड़ी बहुत ही मस्ती करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं मंडी में, दरअसल सारे बच्चे लोग यहाँ पे आ गए थे, प्यांसु पता नहीं किधर गया वो, मतलब घर की साइड भी नहीं है शायद, यहीं पर आया होगा मंडी में, तो उसे भी देख लेंगे। ये रहे अरुण, और इनको तो क्या ही दिखाना, मतलब ज़्यादा फेमस हो जाएंगे ना, तो फिर फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी यहाँ पे भी बंदे खेल रहे क्रिकेट, बड़े बड़े, और दो छोटे छोटे खेल रहे होंगे,
तो देखते फिलहाल देख सकते हैं क्या मस्त व्यू आ रहा है सूरज के। ये पड़ गया कि यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, मतलब जो भी आए हुए थे ना सारे के सारे बच्चे यहाँ पे है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, और वो भी बिना बताए। बताओ कैसे कैसे बच्चों की हमारी कॉलोनी की, देख सकते हैं आप लोग सारी और कोई भी नहीं है। काम वगैरह चल रहा है तो क्रिकेट वगैरह तो यहाँ पे क्या ही खेलेंगे, बहुत बिगड़ गए इनको पढ़ के, थप्पड़ थप्पड़ मारने पड़ेंगे तब जाके काम बने। उधर चलो, उनको ढूंढना भी है उठाना भी है। हाँ चलो फिर चलो भाई, बड़े बदतमीज हो गए आजकल के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को पढ़ के रखो भाई, और उनको मतलब समझ रहे हो ना, अपनी मुट्ठी में रखो, वरना ऐसे ऐसे बच्चे हो जाएंगे आजकल के, देख रहा हूँ मैं आज ज्यादा हो रहा है आजकल, और आजकल के जो पेरेंट्स हैं ओए ज्यादा हो जाएगा फिर बाद। सो गाइस ये देख सकते हैं आइसक्रीम वाले अंकल भी घूमने लग गए, गर्मी आ गई जल्दी जल्दी, और हम पे मजदूर है एक भाई, अगर आपको चाहिए होगा तो उसके रेट, रेट क्या भैया, मैं किस रेट पे आप कूली वाला काम करते हैं यहाँ पे देख। दस कुल्ले, 10 किलो पे 50 रुपए लूंगा। अच्छा 5 किलो के, हाँ 5 रुपए, 10 रुपए, 5 किलो के 25 रुपए, 25 रुपए, हट 1 किलो के लूंगा 50 रुपए। अच्छा, और 5 किलो के 500 रुपए, 500 रुपए, हाँ 100 रुपए लूंगा। अच्छा 100 रुपए लेगा, यार हिसाब गलत हो गया, शक्ल अच्छी नहीं आ रही है, अंधेरा आ रहा है पीछे से, सूरज अस्त होने वाला है, तो अभी ढूंढते हैं हम लोग बच्चे हमारे, मतलब सारे मिली नहीं रहे कॉलोनी वाले बच्चे, पता नहीं किधर चले गए, पकड़ना पड़ेगा। ऐसे एक तो ईद का चांद है जो बहुत सालों बाद दिखता है, और ये एक ऐसा चांद है, मतलब चांद नहीं है ये ग्रहण है, उस पर ग्रहण भी नहीं है कुछ नहीं है, ये बंदा मतलब वैसे कहते 10 मिनट का, क्या आधा घंटा लगाता है, और अभी पता नहीं क्यों फालतू में उधर चला गया था हमें ढूंढने के लिए, हम इधर से आगे बताओ, मतलब वैसे इसे करना नहीं है कुछ। गाइस आम के पेड़ पे बोर भी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, आम भी आ गई, निकाले निकाले खाले 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 ला इधर ले, चटनी बना लियो, ठीक है मैं आऊंगा घर पे। तो अभी हम लोग जाएंगे इधर साइड बच्चों को ढूंढने के लिए, और ये आती फोन में लग गया, पता नहीं क्या हो गया आजकल के देश के लोगों, क्या करेंगे, कैसे करेगा हमारा देश तरक्की, इतनी ज्यादा वो एक्टिंग करने के बावजूद भी लाइक नहीं मिलता वीडियो को, क्या करेंगे हम बताओ, तुम बताओ। गाइस इसी के पास डंडा है, और इसी का डंडा लेके इसी को फेल देंगे, ले पकड़ो पकड़ ले फोन, अगर एक भी एंगल मिस हुआ ना फिर देखते हो। चुपचाप ना घर को दौड़ती हो, ठीक है कभी भी कहीं जाओ बता कर जाने। गाइस इनको सबको मतलब ये बोलो, मतलब अपने बच्चों को, छोटे छोटे भाइयों को सबको कि भाई बता के जाया करो घर पे, यार हम ढूंढ रहे हैं इन्हें, बताओ ये देखिए मंडी चलो नहीं, तो ये बोलो तो नहीं क्यों जा रहा, मैं नहीं लेके आ रहा चप्पल, ज्यादा बिगड़ रहे चप्पल, गेहूं पकने का भी गाइस सीजन आने वाला है, देख सकते हैं आप लोग दूर दूर तक गेहूं वगैरह है, ये पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, इनको सुनने दो। अभी हम आराम से आएंगे माड़ी तक घूम के आएंगे, आराम से माथा टेक के, अभी 8 बज चुके हैं, और बैठ के अब थोड़ी देर अपना मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाऊंगा, असाइनमेंट वगैरह, और पढ़ना भी है, कंटेस्ट वगैरह भी है, देखते हैं वीडियो भी एडिट करनी है, कल रात को 8 बजे तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, होप सो कि आपने वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। अभी तो ये लोग भी पढ़ी, मेरे को समझ में नहीं आते पढ़ रहे होते क्या कर रहे थे, ये देखो एक ऐसे सांप बना हुआ है, उसका तो क्या ही कहना, मतलब कल पेपर है अपना आराम से वीडियो देख रहा है, वैसे पढ़ने की देख रहा होगा। कल इसी के साथ मेरी एक और मेमोरी स्टोर हो चुकी है, होप सो कि आप लोगों ने आज का लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, यहाँ तक पहुँच गए तो आपकी लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहीं से कॉपी वगैरह किया कर देते वीडियो में, देना शुरू होंगे तब तक, जय जय भारत।